सुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना निर्मल सी गंगा उज्जवल सी यमुना परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा ईश्वरीय ज्ञान।
मनुष्य आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति अंदर की स्थिति को बदल देता है। वही दृश्य, वही लोग, वही बातें जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो खेल नजर आती है। माया एक मनोरंजन का साधन नजर आती है, जैसे दुनिया के अंदर बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, ताकत भर जाती है। वैसे ही जब ज्ञान और योग के बल से हम सांसारिक परिस्थितियों का सामना करते हैं और जीत जाते हैं तो अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आज की मुरली भी हमारी आंतरिक दृष्टि को, हमारे दृष्टिकोण को बदलने का एक बहुत सुंदर तरीका सिखा रही है। आज है 2 अप्रैल 2024, बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। जब हम और संग तोड़ेंगे, एक से जोड़ेंगे तो भाई भाई की दृष्टि रहती है, वाणी में ताकत आ जाती है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के, बताओ। उत्तर आए आज का वंडरफुल उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। कभी सोचा ऐसे? तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ बाप, हम थोड़ा सा दान देते हैं तो बाबा को उस 1 का 100 गुना हमको देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, है ना? मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम दे थोड़ी ना रहे हैं, हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 का पदम गुणा प्राप्त करने के लिए, है ना? तो इसीलिए कभी भी गलती से भी मन में ना आए कि मैंने बाबा को दिया, हम क्या दे सकते हैं बाबा को। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है क्या कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, उस टाइम की बात है, साकार बाबा के टाइम की, तो उस समय सेवा का साधन बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं, सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो, पूछते हैं ना कई लोग। बाकी तो संस्थाएं हैं, वो बताती हैं समाज सेवा करते हैं। तो भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, ना हो फॉरेस्ट के ना हो गार्डन के, ना कलयुगी फॉरेस्ट के हैं ना सतयुगी गार्डन के हैं, तो बीच में है। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया, पूछते हैं ना लोग। बोलो, हम बीके ही करते हैं,
कहीं से बाहर से चंदा इकट्ठा थोड़ी ना करते हैं, हम आपस में भाई बहनें मिलकर करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमु प्रधान बन पड़े हैं, राजाएं भी जो थे उनके जो आगे के वारिस हैं वो भी तमु प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार है ना, तो किसी का भी कोई दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए, ना किसके लिए करते हैं, अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है सतयुगी राजधानी बना रहे हो, किसी को पता नहीं है। तुम्हारा नाम मशहूर है, क्या नाम? अननोन वॉरियर्स, ना गुप्त वॉरियर्स हैं, गुप्त योद्धे हैं। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं, उस सेना में भी होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जिनका पता नहीं होता है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसे बिल्कुल अननोन तो नहीं होते ना, ऐसा हो ना सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो। हमारा तो कहीं पर भी नाम नहीं है ना कि हम योद्धे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतुप्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतुप्रधान बने तो राज्य भी सतुप्रधान चाहिए। आप सतुप्रधान बने तो फिर आप आत्मा बन गई सतुप्रधान, तो जहाँ पर वो राज्य करेगी वो जगह भी तो सतुप्रधान चाहिए ना। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है ना, गुप्त मतलब जो है परंतु देखने में ना आए। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो, है ना। हर एक कार्य हमारा गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, नज़र नहीं आती। जिस बाबा से ले रहे हैं वो भी नज़र नहीं आता, शक्तियाँ ले रहे हैं, गुण ले रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है पर सब कुछ हो रहा है। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। पावर का आधार क्या है? प्योरिटी ना, जो चीज़ जितनी प्योर होती है उतनी पावरफुल होती है। तो आत्मा भी जितनी प्योर होती जाती है उतनी पावर भरती जाती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। ये सब बातें बाबा ने पहले से ही साकार वाणियों में बता दी हैं। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना सर्वशक्तिमान है। शक्ति बाबा हमें देते हैं, हम लेते हैं, तभी तो बाबा का टाइटल है ये। तुम बाप को और रचना के
आदि मध्य अंत को भी जानते हो, तो सर्वशक्तिमान भी है बाबा, नॉलेजफुल भी है और हमें भी अपने जैसा बनाते हैं। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं ना, क्योंकि हमें ही स्व का दर्शन होता है और ये फिर हम चक्र लगाते रहते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि चक्र में हमारा क्या क्या पाठ रहा, जितना ये चक्र घुमाते हैं बुद्धि में उतने चक्रधारी बन जाते हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता ना, कुछ बोले बाबा कि आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, वो तो समझ ही नहीं सकेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें बिठाते नहीं है मॉर्निंग क्लास में। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है, बुलाते हैं पर खुद को पतित नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं। क्या पतित पावन सीताराम, तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम, हम सीताओं का राम है ना, तो हम सारे हम सभी क्या है ब्राइड्स, और बाबा है ब्राइड ग्रूम। तो बाबा कहते हैं वो आते ही है सर्व की सदगति करने, तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तो बाबा हमारा साजन है तो सजनी को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है, रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है, जो गाड़ी होती है ना रोल्स रॉयल्स, तो बाबा कहते हैं उसमें इंजन बहुत अच्छी होती है, बाबा भी ऐसे है, तो बाबा भी डबल इंजन है, तो बाबा भी ऐसा इंजन है। कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ, तुम सब शांत में बैठे हो, ले जाओ कह रहे हैं पर हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात ही नहीं है झांझ नहीं बजाना, गीत नहीं गाना, आरती नहीं करनी, कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले जो भी मिले चलते फिरते उनको रास्ता बताते रहो, उनको भी बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, उनकी भावना रहेगी, उनको उनके जो इष्ट देवी हैं जिनके लिए उनके मन में भक्ति भावना है उनके बारे में समझाएंगे तो सुनेंगे। व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है, देखना है सुनने वाला है तो ज्ञान दान देना है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं, तो फिर खुद कैसे पावन बनेंगे। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का, है ना, जब रावण आता है तो त्रेता युग खत्म होता है, द्वापर युग आरंभ होता है, तो उस समय माया की प्रवेशता होती है। यह संगम है, वो संगम है रावण के आने का, ये संगम है राम के आने का, तो ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है, ये सब बातें तो समझानी है पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बेहद के बाप को याद करो, ये ज़रूर समझाना है। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है, बुलाया इसीलिए है ना। महाभारत लड़ाई कब लगी, जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है,
दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है, यही टाइम है विनाश होने का, सबको जगाने का। आधा कल्प से सोए पड़े हैं अज्ञान निद्रा में, सब आधा कल्प से सोए हुए हैं, अपने को देह समझ कर बैठे हैं। बाप समझाते हैं क्या, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। ये नज़रिया बदला देते हैं बाबा, चेंज कर देते हैं। तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, है ना, जैसा सोना वैसा जेवर, तो जैसी आत्मा वैसा शरीर। तो इसलिए आत्मा जब पावन बन जाती है तो शरीर भी पावन मिलता है। अभी तो मिल ना सके क्योंकि आत्मा ही पावन नहीं मिली, बनी है ना। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। मेहनत है याद के यात्रा की, बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ, जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं। बाबा बहुत बार एग्जांपल देते हैं पादरी लोगों का, और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो, ना यहाँ अनेकों को याद नहीं करना, देहधारियों को याद नहीं करना, बस एक बाबा को याद करना है। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, एक सेकंड में अपने को आत्मा समझा, बाबा को पहचाना, बस स्वर्ग के हकदार बन गए। दिल से कहा ना मेरा बाबा, बस फिर स्वर्ग में ज़रूर आओगे। सतयुग में सब जीवन मुक्त में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में है। जीवन तो दोनों जगह है, एक तरफ विकारों के बंधन में है, दूसरी जगह सब विकारों से, सब कर्मों से, सब संबंधों के माया जाल से मुक्त। ये किसको भी पता नहीं है, ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, बाबा का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मुझ एक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे और जो पाप हैं वो कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर, पात्र देखकर बैज भी दे सकते हैं। बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। कई बार बाबा मुरलियों में उल्हाना देते हैं कि देहधारी बाप जो एक जन्म का है वो तो भूलता ही नहीं है, और बाबा को कैसे कहते हो जो जन्म जन्मांतर का बाप है कि हम आपको भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे सतयुग में,
प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे, परंतु पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर अब बनना है, तुम हो भगवान के सौदागर। कितना अच्छा टाइटल मिला आज, हम कौन हैं? भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है? चेक करो अपने अंदर, कहाँ बुद्धि भटकती है? बाप को कितना समय याद किया? बाप कहते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, बिल्कुल यही तो हमारा टारगेट है। बिल्कुल अंदर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमारे सामने जो भी आत्मा आए उसकी देह नज़र ना आए, बस भ्रुकुटी के मध्य वो आत्मा ही दिखाई दे। ये मंजिल होनी चाहिए कि हमें इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। बॉडी कॉन्शियस ज़रा भी ना हो, ना मैं खुद को बॉडी समझूं, ना मैं जिसको देखूं वो मुझे बॉडीली रूप में नज़र आए, बस ज्योति बिंदु आत्मा नज़र आए। तो मंजिल है ना, यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, ना इसके बाद ना इससे पहले। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, कहते हैं ना दुनिया में भी सब भाई भाई हैं, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, है ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बहुत कहते हैं। यह तो ठीक है ब्रदरहुड कहते हो, परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? उसके बच्चे हैं तो यहाँ क्यों बैठे हो? कलयुग में क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। तरीका बता रहे हैं समझाने का बाबा। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए, सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा। परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए, है ना। मंदिरों में जाकर बहुत बारी प्रोग्राम्स करते हैं, सेवा करते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमद् प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। यहाँ सात रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो, मधुबन में पापा कहते हैं हमारा ईश्वरीय परिवार है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं, और हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। दिल बहुत फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना, है ना। बाबा को दे देते हैं, फिर दूसरे जन्म के अंदर इसका रिटर्न लेते हैं। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। इन्वेस्ट किया है आपने, बाबा को नहीं दिया है। बहुतों के अंदर चलता है, बाबा को सब सुनाई देता है, जो अंदर हम बोलते हैं ना, हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई, इसलिए थोड़ी ना देते हैं कि हमारी खातरी हो।
तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो इसका बहुत अनुभव रहा ना, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, बस देखा और इशारा किया सेक्रेटरी को, वो फिर लेता है। सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे। जब कलयुगी राजाएं भी इतने रॉयल होते हैं तो शिव बाबा तो राजाओं का राजा बनाने वाला है, वो कैसे लेंगे। तो दाता है ना, तो शिव बाबा तो दाता है, वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुणा देंगे, थोड़ा भी नहीं है ना, 100 गुणा। तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, है ना। जो उसने दिया उसने ही देने लायक बनाया हमें, तो उसका हमें कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहाँ तुम पद्मा पद्म पति बनेंगे, वहाँ सतयुग में तुम पद्म पति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, प्रैक्टिकल में, केवल कहानी की बात नहीं है। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कई मनहूस यानी कंजूस भी हैं, वैरायटी बच्चे हैं ना बाबा के, समझते ही नहीं, क्या नहीं समझते, नहीं समझते ही नहीं है कि पद्मा पद्म पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। बुद्धि में समझ आ जाए तभी तो सेवा के प्रति सफल करें। तो बाबा कहते हैं हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। भक्ति मार्ग में जब बाबा आते नहीं है तो इनडायरेक्ट हमें फल देते हैं एक जन्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जब हाजिर हैं, इस समय संगम युग पर खुद बाबा हाजिर हैं, तो 21 जन्म के लिए देते हैं, है ना। गैर हाजिर हैं तो अल्पकाल के लिए, और अब हाजिर हैं तो 21 जन्म के लिए। यह गाया हुआ है क्या, शिव का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं, बाप जाने और बाप की गोथरी यानी ब्रह्मा जाने, सब गुप्त है। जिसमें बाप रहते हैं बिल्कुल साधारण, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिट-खिट चलती रहती है, खिट-खिट चल रही है तो समझ लो ज्ञान और योग की कमी है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भक्ति मार्ग में जिस दिन के लिए गाया कि जब आप आएंगे तो आप पर बलिहार जाएंगे, वो दिन अब आ गया। भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, है ना। नाज है खुद पर, कितने खुश नसीब हैं हम, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु फिर क्या होता है, माया खुशी गवा देती है। अच्छा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है,
वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। क्या याद रखना है मैं कौन हूँ? पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इसका विस्तार है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध, है ना? इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले बनो। ये शक्तियाँ याद रहे कि कौन सा अलौकिक संबंध हमें इस जन्म में मिला है। एक तरफ दैवी परिवार मिला है, दूसरी तरफ बाबा के साथ सर्व संबंध मिले हैं, तो फिर सदा राजी रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान बनाते हैं तो उससे पहले ना विदेही और साक्षी बनकर सोचो, ना किसी भी चीज़ के वश होकर प्लान नहीं बनाओ, और उसके बाद बस प्लेन स्थिति बनाते चलो, ना? तो आज की मुरली से हम क्या विशेष अभ्यास करेंगे? आत्मिक स्थिति में रहने का और आत्मा भाई भाई की दृष्टि बनाने का। सारे दिन में जो भी आत्माएं मिलें तो उनको कोशिश करके, यही हम देखेंगे जब उनको, तो देह की नज़र से नहीं देखेंगे, आत्मिक स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, है ना? इन पंच तत्वों से निर्मित देह में चमकती हुई आत्मा भ्रुकुटी के बीच जगमगा रही है। हर एक आत्मा को देह रूपी मिट्टी के दीपक में चमकती हुई ज्योति के रूप में देखेंगे। इस अभ्यास को जितना हम बढ़ाएंगे उतना हम अपनी श्रेष्ठ मंजिल के समीप पहुंचेंगे। इनफैक्ट आज के लिए नहीं, ये तो सदा काल के लिए अभ्यास हमारा होना चाहिए, ना? अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शैना भाती
याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। से भी पार है मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़ कर पंछी नील गगन में जाए, तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे।